हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। आज मैं आपके लिए करने वाली हूं, क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या हम अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। मेरी पर्सनल रीडिंग में भी काफ़ी लोग पूछते हैं क्या हम अपने सोलमेट से मिल चुके हैं या कब तक मिलेंगे। तो इस रीडिंग पे, इस टॉपिक पे जो है मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली। ये देखते हैं आपके साथ में जो भी इंसान जुड़ा हुआ है क्या वही आपका सोलमेट है या फिर आने वाले फ्यूचर में आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। तो इस रीडिंग, इस टॉपिक पे आज हम इस रीडिंग को करने वाले हैं। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो परफेक्टली आपसे रिजल्ट नहीं होगी। अगर जितने भी परसेंट आपसे रिजल्ट होती है तो उतना ही आपको रखना। अगर बाई चांस नहीं होती है तो मैं और भी रीडिंग्स लेकर आऊँगी, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। और भी काफ़ी सारी रीडिंग है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं या फिर मिलना बाकी है, ठीक है, या फिर जिससे आप अभी कनेक्शन में हैं वो कौन है, ठीक है। तो इस रीडिंग को हम देखने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं सोशल हीलिंग विद टैरो के, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या वो अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, क्या वो अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अपने सोलमेट एंड फ्लेम से मिल चुके हैं, अपने सोलमेट एंड फ्लेम से मिल चुके हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स डिवाइन गाइड करें, हमारे जो व्यूवर्स हैं क्या वो अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्स बॉटम में ही आपका, नाइन ऑफ वॉन्स है एंड नाइट ऑफ वॉन्स है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे आपके जोडिक साइन के कौन कौन से यहाँ पे राशियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे है आपका वाटर साइन कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, के साथ में आपका एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप में से काफ़ी लोग अभी अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं, ठीक है। अभी मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो किसी के साथ में भी डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं काफ़ी सारी रीडिंग्स बताऊँगी, ऐसा नहीं है कि बस बता दिया सिंगल है तो आप सिंगल ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, मल्टीपल एनर्जीज हैं। ओके, सो वेट, अपनी एनर्जी का वेट करें। सबसे पहले उनकी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं जो लोग सिंगल हैं और किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली अपने ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आप जिससे भी आने वाले टाइम में डील करेंगे वो बहुत ही सुलझा हुआ पर्सन होगा या होगी। यदि आप मेल देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके जो फीमेल पार्टनर है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, काफ़ी मेंटल उनका जो दिमागी स्तर होगा वो काफ़ी स्टेबिलिटी को फाइंड करता होगा। लाइक उनको ऐसे ही इंसान पसंद आते होंगे जो मेंटलिटी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, ऐसे ही लोग आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप अपने लाइफ में ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग हैं जो कमिटेड भी हैं या फिर जो सिंगल हैं वो भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ट्रू लव को। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ट्रू लव विद आपके रिस्पेक्ट के साथ में दोनों आपको मिले, यानी कि वो प्यार जहाँ पे आपको अपनी सफाई भी ना देनी पड़े कभी, यहाँ पे आप लॉयल हो, ये बात उस इंसान को पता हो जिससे आप जुड़े हो, वहाँ पे कभी भी आपको ये सवाल ना पूछे जाएं कि आप क्या लॉयल हो, वो इंसान कौन है, ये इंसान कौन है, क्या उसके बीच चल रहा है, क्या इसके बीच चल रहा है। यहाँ पे जो कुछ भी सिस्टम होगा आपके पार्टनर को, यहाँ पे आप जो है अपनी तरफ से ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपको ऐसा पर्सन चाहिए जिसको आप पे
ट्रस्ट हो, आप पे भरोसा हो, ठीक है, और मैं देख सकती हूँ कि हाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत जल्दी कि एसेंशन आपको मिले, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके जो भी पार्टनर होने वाले हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल सकते हैं काफ़ी लोगों को, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि हर किसी को सोशल मीडिया पर ही मिले, ठीक है। एज डिफरेंस हो सकता है मे बी आप दोनों में, ठीक है, किसी के लिए हमारे जो व्यूवर्स हैं आप बड़े हो सकते हैं अपने पार्टनर से, या फिर हो सकता है कि पार्टनर बड़े हों आपसे, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है 10 साल से स्टार्टिंग है, या फिर किसी के लिए 2 से 4 साल का भी वेट हो, यहाँ पे गैप हो सकता है, ठीक है। स्टार कार्ड है तो मे बी हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से आप सेपरेशन में चल रहे हैं, किसी कारणवश हो सकता है कि ये आपका हीलिंग टाइम है और आपके पार्टनर का भी, तो जब तक आप दो एक दूसरे को हील आप अपनी 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 लाइफ को हील नहीं कर लेते, वो अपनी लाइफ को, आप अपनी लाइफ को, तब तक यूनियन थोड़ा सा स्पेस में रहेगा, ठीक है। मजिशियन है यहाँ पर, तो मजिशियन के अकॉर्डिंग में देख सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करोगे, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे कभी कोई झूठ ना बोले जाए, जहाँ पे हमेशा आपको इम्पोर्टेंस दी जाए, अगर कहीं जा भी रहे हैं तो क्लियर बताया जाए, जो भी उनके मन में है वो हमेशा आपसे यू नो खुल के शेयर करें, ऐसा आप चाहेंगे, ठीक है, और ऐसा शायद आप चाहते हैं कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हो या फिर जो भी आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो वो आपके साथ में हमेशा एक स्टेबल माइंड रखें, कभी भी आपसे झूठ ना कहें, कोई भी चीज़ हो आप दोनों के बीच में झिझक नहीं रहनी चाहिए, ऐसा आप चाहेंगे, ठीक है, और सेम थॉट्स होंगे आपके पार्टनर की, और आपके पार्टनर भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, और वो आपके लाइफ में जो भी इंसान आने वाला है या आने वाली है वो एक ऐसी पर्सनालिटी के इंसान होंगे कि उनको ना रिश्ते में परमानेंट चाहिए तभी वो कमिटेड होंगे, लाइक अगर उनको पता है कि पहले डेटिंग दैन फिर यू नो कमिटमेंट एंड देन पार्टनरशिप, इस तरीके से है आपके होने वाले सोलमेट और ट्विन फ्लेम का एनर्जी, ओके, क्योंकि उन्होंने में भी हो सकता है कि स्टार कार्ड यहाँ पर है, तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर ने जो भी सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, ज़रूरी नहीं है किसी के लिए ऐसा हो, लेकिन किसी किसी के लिए कि इन्होंने आपसे पहले कोई और रिलेशन में ना थे ये या थी, जहाँ पे इन्होंने हार्ट ब्रेक देखा है, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यू नो अपने एक्सक्यूज़ मी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी, एक्सक्यूज़ मी गाइस, ओके ओके पानी पी लिया है अभी कुछ नहीं होगा। सो नाइन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है ना, स्टार कार्ड है, तो हो सकता है कि वो उस धीरे धीरे उस रिलेशन में से निकल कर आए हो, अपने आप को हील किया हो, एक इंडिपेंडेंट एक सेल्फ लव की एनर्जी में वो लेकर आए हो, जिसकी वजह से काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हों, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप किसी पास्ट रिलेशन में थे वहाँ से निकल कर आए, आपने बहुत हार्डवर्क करके खुद को वहाँ से निकाला, अपने आपको सेल्फ लव में पुट किया, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो गए, आपको ये पता भी नहीं चला, जिसकी वजह से आपकी मेंटेलिटी लाइफ को लेकर, आपकी जो सोच है, आपकी जो एक पॉइंट है लाइफ को देखने का, वो काफ़ी चेंज हुआ है, ठीक है, लाइक आप स्टेबल अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है, आप ट्रू लव चाहते हो, आप हीलिंग चाहते हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी ये गाइड कर चुकी है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है मेरे बताने से पहले ही, ठीक है, हो सकता है कि आप इस रीडिंग को तब देखें जब आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रही हो कि आप जिससे जुड़ रहे हो वो कौन है या फिर जिससे जुड़ोगे वो कौन होगा, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपने सोलमेट से मिलने वाले होगे उसके 2 दिन पहले या घंटों पहले या फिर दिनों पहले आपके लाइफ में एक अलग ही हैप्पीनेस आप महसूस करोगे, रीज़न आपको नहीं पता होगा मैं इतना खुश क्यों फील कर रही हूँ कर रहा हूँ अंदर से, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, जब आप उस खुशी को महसूस करने लगोगे आपको बहुत ही रोमांटिक मौसम लगने लगेगा, रोमांटिक आसपास सीन लगने लगेगा, और हर आपके साथ हर चीज़ अच्छी अच्छी होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव होगी, आपने कोई चीज़ सोची अरे यार आज तो वो ड्रेस मिल जाए या फिर कहूँ कि आज वो जगह घूमने जाना है तो वहीं घूमने जाएँ, आपको वही ड्रेस सेम ड्रेस वही कलर की जैसा आप इमेजिन कर रहे थे वही मिल जाए, यू नो सब कुछ आपके साथ में इतना स्मूथली होता जाएगा, इतना सूदिंग कि मतलब आपको लगेगा कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, इतना रोमांटिक फील होगा आपको, मैं देख पा रही हूँ मुझे एक पर्टिकुलर पिक्चर दिखा रहे हैं यूनिवर्स जिसमें मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे अपनी लाइफ में उस वक्त जब अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलने वाले होंगे, ठीक है, और आपकी आप में से कुछ लोगों की अपने पार्टनर से मीटिंग रैंडमली हो सकती है, रैंडमली इन द सेंस आप कहीं जा रहे हैं सफर में वहाँ मिल गए, या फिर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर कहीं पर भी पढ़ते हैं साथ में वहाँ आप दोनों की यूनियन हो गई, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड थे फिर वो गेट टुगेदर हुआ एंड देन
डेटिंग स्टार्ट हुई, इस टाइप से कुछ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी किसी के लिए आपको पता भी नहीं चलेगा, और स्टार्टिंग से लाइक आप जिसको भी आपका क्रश होगा या फिर कभी कोई पार्टनर रहा होगा वो इंसान या फिर आपके सोलमेट कैसे रहेंगे ये यूनिवर्स की प्लानिंग है भाई। मुझे तो बस इतना ही मैसेज मिल रहा है कि तावा मोमेंट के साथ में आप अपने सोलमेट से मिलोगे, ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है, और स्टेबल माइंडसेट होगा आपका। और अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे हीलिंग के साथ में जो कुछ भी आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ उसको अगर आप अपने आज और अपने आने वाले फ्यूचर की लाइफ में अगर हैवी ना जाने दोगे या उसको हैवी उस पर हावी नहीं होने दोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत प्यारी रिलेशन मिलेगी। लेकिन आपको सबसे पहले अपनी ही लाइफ में अपनी ही सोच पर थोड़ा सा काबू करना होगा, बिकॉज आप थोड़े से नेगेटिव हो जाते हो कभी कभी बिकॉज ऑफ अपने पास्ट की वजह से। आज कल देखते हैं अभी और क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। Eight of Wands, oh my goodness, Star again, बहुत ही beautiful combination मैं आपको बताती हूँ। Two of Swords, आप ऐसे काफ़ी लोग ना अपने पार्टनर से बैठ के इत्मीनान से, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है आपके सोलमेट से आपके ट्विन फ्लेम से, जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे लाइफ में, प्रॉब्लम्स चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जो कुछ भी था आप लोगों की लाइफ में, मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आप और आपके पार्टनर दोनों इत्मीनान से बैठ कर एक दूसरे के साथ में ये चीज़ आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से आपको चीज़ों को क्लियर करना है, किस तरीके से आप और आपके पार्टनर के लाइफ में जो कुछ भी रहा उसका रीज़न था क्या था जो कुछ भी था उसे बैठ के क्लियरली क्लीन करना, एक दूसरे के साथ में शेयर करना, ये सब कुछ आप दोनों के बीच में काफ़ी म्यूचुअल रहेगा, ठीक है। मैं साथ में ये भी देख सकती हूँ यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की अकॉर्डिंग जैसे ही आप दोनों के बीच में चीज़ें सुलझेंगी तो जितना पहले प्यार या जितनी जोश और गर्मजोशी रहती थी पहले उससे कहीं ज़्यादा आप अब फील करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, उतनी ही गर्मजोशी यानी कि उतनी ही एक्साइटमेंट रहेगी आप दोनों के बीच में, ठीक है, काफ़ी पैशन रहेगा आप दोनों के बीच में एक दूसरे के रिलेशन को लेकर, काफ़ी सारी आप एक दूसरे को लेकर काफ़ी हील फील करोगे, लाइक आप उनको और वो आपको लेकर काफ़ी हील फील करेंगे, ओके। अभी हमारे जो कार्ड्स आए थे उसमें क्वीन ऑफ सोर्स थी और यहाँ पर है आपका किंग ऑफ सोर्स, यानी कि आपके जो भी पार्टनर या ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने वाले हैं इतना तो मैं देख सकती हूँ कि उन्हें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ठीक है। तो आप जब भी अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलें और आपका इंट्यूशन अगर कहे कि यही है आपका सोलमेट तो याद रखें पहले दिन से उससे सच कहें, अगर उसने आपका सच पकड़ लिया तो यदि तो फिर या तो वो आपको छोड़ देंगे या फिर आपसे मतलब बात ही नहीं करेंगे, स्टक हो जाएंगे आप भी और वो भी, ठीक है, या तो वो मूव ऑन कर जाएंगे बिकॉज एक तरफ है हैंगमैन और एक तरफ है एट ऑफ कप्स। तो अगर आपने चीज़ों क्लियर नहीं रखा, किंग ऑफ सोर्स स्टेबल इट, ठीक है, क्लियर चीज़ें, अगर आपने चीज़ों क्लियर नहीं रखा या तो वो मूव ऑन कर जाएंगे या फिर ना तो आपको जाने देंगे कहीं ना खुद जाएंगे, यानी कि ना तो हाँ ही बोलेंगे ना बोलेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो तो पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि झूठ उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होगा, यदि आपने बोला झूठ और उनको सच पता चला या फिर उनको पहले से पता है तो फिर भाई समझ लीजिए बहुत बुरा होने वाला होगा। वैसे तो आपके पार्टनर का गुस्सा तेज़ नहीं होगा, लाइक गुस्सा काफ़ी कम होगा, बाई चांस बहुत ही कम लोगों के लिए, एक या दो लोगों के लिए मैं कहूँगी कि गुस्सा काफ़ी तेज़ होगा, अदरवाइज ठीक ही होगा, लाइट होगा। बट अगर आपने झूठ बोला तो फिर इनका गुस्से का जो पुल है वो
टूट जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको देखने को मिल सकते हैं सेपरेशन, ब्रेकअप या फिर लड़ाई झगड़े। झगड़ा वगड़ा तो ये नहीं करेंगे, भले गुस्से के तेज़ हों या फिर गुस्सा आए इनको, लेकिन झगड़ा करने वालों में से मुझे नहीं लग रहे हैं। मुझे लग रहा है ये अचानक से आपसे बोलना बंद कर देंगे, अगर इनको ऐसा कभी लगता है तो, कि आपने झूठ बोला है और सच कुछ और था, आपने झूठ बोला है, तो भाई बच कर रहें, सच बोलने की पूरी पूरी कोशिश करें। अगर आपने जरा सा भी झूठ बोला तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। और अगर आप शुरू से स्टार्टिंग से ही सच बोल रहे हैं, उनको पता है कि आप सच बोल रहे हैं, तो फिर यकीन माने आप दोनों का जो रिलेशनशिप है यानी कि पार्टनरशिप है वो शादी तक जाएगी, कमिटमेंट तक जाएगी, फैमिली भी होगी आपकी अपनी, और आप लाइफ टाइम साथ में रहेंगे और काफ़ी हैप्पीनेस रहेगी आपकी लाइफ में। 10 of cups की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत उम्दा रहेगी, बहुत पैशनेट रहेगी आप दोनों की ज़िंदगी, और एक दूसरे के लेके आप लेके काफ़ी लॉयल और काफ़ी क्लियर रहेंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है, कि हाँ भाई इस इंसान को मतलब आप एक दूसरे को समझेंगे बहुत अच्छे से। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बता भी दो तो भी हम समझ नहीं पाते, लेकिन आप अपने अपने पार्टनर को इतने अच्छे से समझोगे ना कि उनके कहने से पहले आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस इंसान के मन में क्या है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, किंग ऑफ कप सॉरी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे ईट ऑफ वॉन्स है, स्टार कार्ड है, तो आपकी हीलिंग प्रोसेस पूरी चलती रहेगी आपके पार्टनर के साथ में, ठीक है। यहाँ पे आपका किंग ऑफ कप्स है, तो आपके किंग ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग ना क्वीन ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में एक मदरली नेचर है। अगर आप बॉटम में देखें तो यहाँ पे भी आपका एम्प्रेस कार्ड है, जस्ट अ सेकंड, ओह वाओ सी ब्यूटिफुल। सो यहाँ पे किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स विद एम्प्रेस हैं, तो डेफिनेटली आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस या फिर सोलमेट ट्विन फ्लेम होने वाले हैं वो अपने लाइफ में ना हर पॉइंट्स को लेके बड़े क्लियर होंगे, ठीक है, यानी कि उनको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और बहुत ख्याल रखेंगे, एक माँ जैसा ख्याल रखेंगे, भले मेल या फीमेल जो भी हैं, आप फीमेल देखने वाले या मेल देखने वाले जो भी हैं, बहुत ख्याल रखेंगे आपके पार्टनर आपका, और ट्रू लव करेगा ये इंसान आपसे एक्चुअल में, बिल्कुल दिल से वाला, आत्मा से वाला, सोल से वाला। कभी भी आपको इस इंसान को लेके ना दुखी, मतलब वो कहते हैं ना डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, ऐसी वाली कभी फीलिंग नहीं आएगी। आपके पार्टनर हमेशा आपको किस तरीके से आपको संभालना है, किस तरीके से आपको अगर आप लूट गए हैं तो किस तरीके से आपको बनाना है। आप वैसे काफ़ी लोगों के पार्टनर का ना एट ऑफ वॉन्स है और थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है आपके पार्टनर का, या फिर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है तो आपको मेडिटेशन और हीलिंग करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करें ताकि आपके लाइफ में हीलिंग प्रोसेस आ पाए, ठीक है। सो गाइस ये थी आपकी आज की रीडिंग, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड के साथ में, कमेंट में मुझे अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा आपकी वीडियो कैसी लगी, और अपना प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम लिखना ना भूलें, आप सभी को बहुत सारा प्यार एंड भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।